सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में गाजी बाजे के साथ प्रेमी युगल का विवाह कराया। जिले में एक अनोखी शादी देखी गई। पुलिस वालों ने बैंड बाजे के साथ एक प्रेमी जोड़ी की शादी मंदिर में धूमधाम से कराई। बहू को देखकर पिता झूम कर नाचने लगे। उनका सपना था कि अपने बेटे की शादी आदर्श शादी हो। जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में शादी हुई, सारे लोग खुश नजर आए। आपको बता दें कि जिले के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र में चिंदा और गोविंद जॉब के दौरान मुलाकात किए थे। यह मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई, जिसके बाद प्रेमी जोड़े ने फैसला लिया कि वो एक ही कमरे में पति पत्नी की तरह रहेंगे, जिसके बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। युवती युवक के नाम का सिंदूर लगाकर एक किराए के मकान में रहने लगी। युवती युवक से शादी करने की जिद करने लगी। युवक शादी से इनकार कर दिल्ली भागने की फिराक में था। किसी तरह युवती को पता चल गया। युवती ने अपने परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने युवक से शादी करने की बात की, लेकिन शादी से युवक ने इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने युवक और युवती को थाने बुलाकर समझा बुझाकर शादी के लिए मना लिया, जिसके बाद युवक के परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया। युवक के पिता खुशी खुशी चंदा को बहू के रूप में अपनाने को मान गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों परिजनों की मौजूदगी में बाबा गरीबनाथ मंदिर में गाजे बाजे के साथ प्रेमी जोड़े की शादी कराई। शादी के बाद प्रेमी जोड़े काफी खुश नजर आए। मुजफ्फरपुर शहर में एक अनोखी शादी देखी गई है, जहां पुलिस की मौजूदगी में एक प्रेमी युगल की शादी कराई गई है। बताया जा रहा है कि लगभग 4 महीने से ये लोग रिलेशनशिप में थे, लेकिन लड़का अभी शादी करने से इनकार कर रहा था, जिसके बाद लड़की के परिजन लड़के से बातचीत कर पुलिस के साथ वहाँ पर मौके पर पहुँचे और लड़के से शादी करवाई है। जिसको पूरा मामला आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ प्रेमी युगल बालूघाट में किराए के मकान पर रिलेशनशिप में 4 महीने से रह रहे थे। देख सकते आज के बाद कोई भी लड़का कोई भी लड़की के मदद करने के व्यू से नहीं जाए, हम यही कहेंगे। आपकी धर्म पत्नी हो गई है। सुबह में यही लड़की 10 आदमी को बुला के लाया, गोली मारने का धमकी दिया हमको, बोला निकाले ठोक दे। कोई बात नहीं है, अच्छे से रखिएगा ना इनको। हाँ बिल्कुल रखेंगे, कहीं नहीं रखेंगे, रेंट पर ही रहेगी, घर नहीं जाएगी। क्यों? घर मेरा घर पर मतलब मम्मी पापा का प्रभाव आपके शादी शुदा जीवन पे भी पड़ेगा क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, रहेगी, रेंट पर ही रखेंगे। घर तो हम नहीं जाते तो कैसे ले जाएंगे? रेंट करते थे, शादी कर लिए, खुशी किस बात का, इतना बदनाम करवा दिया, खुशी किस बात करेगा? आपका मकसद तो शादी करना, शादी हो गई है बस, हम चाहते थे शादी हो जाए, लेकिन इतना तमाशा नहीं चाहते। जान पहचान था? 6 महीने से। किस तरीके से जान पहचान? काम के लिए मिले थे। कहाँ से? 0 माइल। 0 माइल कैसे? मना कर रहा शादी से, बोल रहा था 5 साल बात करिए। फिर क्या हुआ? फिर भी मतलब छोड़ के जाने का प्लानिंग में था, उसके बाद तो वही सुबह में लॉयर को बुलाए थे, सोचे थे घर पे शांति से मना के कर लेंगे, लेकिन नहीं माना है तो वही मकान मालिक थाना के हवाले। अच्छा शादी हो गई है, पूछा है ना? पूछ रहा है कि नहीं शादी हो गई है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आगामी 3 फरवरी को निषाद संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में निषाद स्वाभिमान रैली आयोजित किया गया है। मुजफ्फरपुर जिला वासियों एवं समस्त निषाद बंधुओं भाइयों माताओं बहनों से अपील करता हूं कि आप सभी लोग अपने हक अधिकार के लिए ये निषाद स्वाभिमान रैली आयोजित किया गया है, इसमें आप लोग अपना उपस्थिति दर्ज करके इस रैली को सफल बनावे, यही आप लोगों से हमारी शुभकामनाएँ हैं।